दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरु इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम दो टीवीज का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तरफ होने वाला है मोटरोला का रेओ सीरीज और दूसरी तरफ होने वाला है दोस्तों मी टीवी 5X जो कि अभी अभी न्यूली लॉन्च हुई है। तो बिना टाइम पास किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं दोनों ही टीवी लगभग सेम प्राइसिंग के रेंज में आते हैं, इसीलिए इन दोनों टीवीज का कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में दोनों ही टीवी की काफी डिमांड है दोस्तों। तो इसी की वजह से सोचा कि ये दोनों एक ही प्राइसिंग पर आते हैं तो क्यों ना इसका कंपैरिजन किया जाए। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले के ऊपर से। तो दोस्तों मी टीवी 5X में आपको IPS और VA दोनों ही पैनल देखने को मिल जाएगी क्योंकि पैनल की अभी शॉर्टेज चालू है और मी टीवी की काफी डिमांड है दोस्तों मार्केट में। इसी के वजह से वो कोई भी पैनल यूज करे, या तो आपको IPS पैनल भी मिल सकता है या तो आपको VA पैनल भी इस टीवी में देखने को मिल सकता है। बात करें अगर मोटरोला सीरीज की तो इसमें आपको ADS पैनल देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ADS पैनल क्या है, तो ये IPS पैनल के जैसे ही होता है लेकिन जो VA पैनल के फीचर्स है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो इस पैनल की ब्राइटनेस है दोस्तों वो काफी अच्छी है, कलर्स भी इसमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जो ब्लैक है वो भी आपको डीप ब्लैक इस पैनल में देखने को मिलता है। बात करें दोनों टीवी की ब्राइटनेस की दोस्तों, तो यहाँ मी टीवी 5X की उन्होंने ब्राइटनेस अभी बताई नहीं है लेकिन रिपोर्ट से ऐसे निकल के आया है दोस्तों कि इस टीवी में आपको 280 से लेकर 300 nits तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और वही जो मोटरोला की टीवी है दोस्तों उसमें आपको लगभग 350 से लेकर 420 तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो ब्राइटनेस के मामले में मोटरोला का टीवी वाकई काफी अच्छा है। मी के टीवी में एडेप्टिव ब्राइटनेस का फीचर दिया गया है दोस्तों, लेकिन अगर पैनल की यानी कि टीवी की ही ब्राइटनेस अगर कम हो तो एडेप्टिव डिस्प्ले कब तक काम करेगा। बात करें वीडियो फीचर्स की, तो यहाँ दोनों टीवी में सेम टू सेम वीडियो फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डॉल्बी विजन, HDR10, HLG का सपोर्ट इन दोनों ही टीवी में आपको देखने को मिलता है। अब साउंड क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो मी के टीवी में आपको 40 वाट का आउटपुट वाला स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और वही जो मोटोरोला रेओ सीरीज है दोस्तों उसमें आपको 50 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है। तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, साउंड क्वालिटी दोनों के दोनों ही सेम टू सेम होने वाली है क्योंकि दोनों में ही आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर फीचर्स की दोस्तों, तो दोनों ही टीवी में आपको एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, लेकिन जो मी के टीवी है दोस्तों उसमें 2-3 फीचर्स आपको एक्स्ट्रा जरूर से देखने को मिलते हैं। या आपको हैंड्स फ्री वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब कि आप बिना रिमोट को छुए आपके टीवी को एक्सेस दे सकते हैं, आपके टीवी को कमांड दे सकते हैं, वैसा फीचर्स आपको मोटरोला के टीवी में देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ पैच वॉल का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है जो कि आपको रिकमेंडेड करता है अलग अलग कंटेंट। बात है टीवी के परफॉर्मेंस के ऊपर, तो दोनों ही टीवी में आपको सेम CPU और सेम GPU देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कॉर्टेक्स A55 वाला CPU यहाँ आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ माली का G52 वाला यहाँ आपको GPU देखने को मिल जाता है। RAM भी दोनों ही टीवी में सेम टू सेम दी गई है दोस्तों, लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज है वहां आपको डिफरेंस जरूर से देखने को मिलता है। मी टीवी में आपको 16GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है और वही जो मोटरोला की टीवी है दोस्तों उसमें आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, मतलब कि काफी ज्यादा बड़ी इंटरनल स्टोरेज आपको मोटरोला के टीवी में देखने को मिल जाएगी। टीवी के कनेक्टिविटी फीचर्स की दोस्तों, तो यहाँ आपको ब्लूटूथ 5.0 ड्यूअल बैंड वाईफाई और साथ ही साथ 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स दोनों ही टीवी में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मी टीवी है दोस्तों उसमें आपको ERC का सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ ALLM का भी सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि मोटरोला की टीवी में आपको नहीं देखने को मिलता। बात करें टीवी की प्राइसिंग की, तो मैं यहाँ फिलहाल डिस्प्ले पर दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा 1-2 हजार का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मी टीवी की प्राइसिंग बढ़ने वाली है दोस्तों, तो लगभग सेम टू सेम प्राइसिंग पर ये टीवी आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं मेन वर्डिक पर कि कौन सा टीवी आपको बाय करना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसा यूज करते हो टीवी का। अगर आप कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हो, यानी कि आप वीडियो देखना पसंद करते हो, मूवी देखना पसंद करते हो या सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, तो बेशक से आपको मोटरोला का टीवी लेना चाहिए। लेकिन आप आपके टीवी पर गेमिंग भी करना चाहते हो और आपको वॉइस कमांड का फीचर्स भी काफी अच्छा लगा है, तो आप बेशक से MI के तरफ जा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों हम टीवी देखने के लिए लेते हैं और अच्छी पिक्चर क्वालिटी अगर होती है उसकी तो टीवी देखने का वाकई में अच्छा मजा आता है। तो
मैं अगर कोई परचेस करना चाहूंगा इन दोनों में से तो बेशक मोटरोला की तरफ मैं जाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।